देख रहे हैं सच दर्शन। 26 जनवरी के अवसर पर जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं स्वराज अभियान से जुड़े लोगों ने दिल्ली के कई जगहों पर अपने स्वराज अभियान कार्यालयों की स्थापना की, जिसके चलते सभी स्थापित कार्यालयों पर स्वराज अभियान से जुड़े लोग पहुंचे और तिरंगा झंडा फहराकर इन कार्यालयों की शुरुआत की। ऐसे में सरदर्शन की टीम ने भी स्वराज अभियान से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की। जो है क्या कहते हैं आज 42 के करीब जो है क्या कहते हैं अभी खुलने का प्रस्ताव है। हमारा उद्देश्य है जो जनता की जो जरूरत है, जनता को जो जनता सारी चीजों से अनभिज्ञ की हुई है, उनको उनकी जो है क्या कहते हैं आवाज, उनका जो है हक, उसको लोगों को बताना और उनको उस हक को जो है क्या करते हैं उनको दिलाना। स्वराज अभियान जो है 3 साल पहले जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उसी की एक एक्सटेंशन है। ये कुछ अलग से हमने नहीं बनाया, हम वही लोग हैं जो तब से इतने दिनों से कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जैसे देखा यहाँ स्वराज अभियान का जो बोर्ड लगा है, जहाँ खुला है, इस पे ना किसी का नाम है ना किसी की तस्वीर है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब स्वराज अभियान के कार्यकर्ता हैं और हम सबको साथ लेकर चले। आज करीब 100 के करीब हमारे स्वराज केंद्र खुल जाएंगे आज ही आज में, और फिर ये तो एक मतलब बिल्कुल शुरुआत है। ये इसका जैसे आग फैलती है वैसे इस आंदोलन की आग फैलेगी और लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। मेरे अपने तरफ से इतना हिम्मत होगा कि जितने भी कॉलोनी में 122 वार्ड में जो भी दिक्कत आती है, अपने पूरे सागर से पूरे मन से स्वराज का साथ दूंगा। मैं जब जुड़ा हूँ तो पूरे मन से जुड़ा हूँ। इसके अंदर जो स्वराज के अंदर काम, स्वराज पब्लिक का जो काम होगा ये मुझे करना है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारा ये है। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा से राजेंद्र प्रताप की रिपोर्ट, सच दर्शन।